गुड इवनिंग स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड में हम स्टडी कर चुके थे न्यूट्रिएंट्स और फिर फर्दर उन न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं बैलेंस डाइट। क्लियर? बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है? ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, जो आपके न्यूट्रिएंट्स आपने स्टडी किए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, क्लियर, वो सारे के सारे एक प्रॉपर अमाउंट में हो, एक एडुकेट प्रोपोर्शन में हो, मतलब जितने क्वांटिटी आपकी बॉडी को चाहिए, जितनी आपकी बॉडी के लिए नीड में है, उतनी क्वांटिटी अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो कैसी डाइट है? बैलेंस डाइट। क्लियर? ओके, तो बैलेंस डाइट क्या है? अ डाइट विच कंटेन एडुकेट, दैट्स मीन प्रॉपर एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आर needed by our body, जितना हमारी body को चाहिए उतने nutrients उसमें present हो। Clear? तो वो कैसी diet है? Balanced diet। आप एक और चीज़ study करेंगे, उसमें nutrients तो होने चाहिए और साथ में क्या चीज़ होनी चाहिए आपकी? Clear? तो अभी हम एक चीज़ और study करेंगे, it also contain roughage and water। क्लियर? अब आपको वाटर तो पता है, जो पानी आप पीते हो वाटर, वो आपकी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? एक तो आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है, उल्टा आपकी बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल है यूरिन के थ्रू से क्या करता है, आपकी बॉडी से इजेक्ट कर देता है। क्लियर? तो वाटर का पता है, बट इस टर्म का रफेज ये तो आपको नहीं पता, हमने स्टडी नहीं किया। तो रफेज क्या है? अभी रफेज को स्टडी कर लेते हैं। रफेज आपका एक डाइटरी फाइबर है। क्लियर? कहाँ से मिलता है आपको ये? जो आपके प्लांट प्रोडक्ट हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं ज़्यादा रफेज। कौन से प्लांट प्रोडक्ट? जैसे आप पोरिज, आप दलिया खिचड़ी खाते हो उसमें, कुकुम्बर, जो खीरा आप खाते हो, गुआवा, उन सब में क्या प्रेजेंट है आपका? रफेज। क्लियर? तो इट प्रोवाइडेड बाय मेनली प्लांट प्रोडक्ट। जो प्लांट प्रोडक्ट हैं वो आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं? रफेज। एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे रफेज वाले हैं, कुकुम्बर, पोरेज और गुआवा। क्लियर? अब ये डाइटरी फाइबर है आपका रफेज, हमने कहा कि हमारी बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग ये बैलेंस डाइट के अंदर होना चाहिए। तो क्या करता है ये आपका रफेज आपकी बॉडी में? तो ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। क्लियर? डाइजेशन में हेल्प करेगा और किस चीज को अवॉइड करेगा? अवॉइड करेगा कॉन्स्टिपेशन को, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है? तो ये किस में हेल्प कर रहा है? डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, आपके वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से बाहर निकाल रहा है। किसको नहीं होने दे रहा? कॉन्स्टिपेशन को नहीं हो रहा है, होने दे रहा। ठीक है? ये आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। क्लियर? ओके, तो बैलेंस डाइट कैसी डाइट हुई? वो डाइट जिसमें आपका प्रॉपर अमाउंट में
सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं और साथ में क्या होना चाहिए, रफेज और वाटर। रफेज क्या है, एक डाइटरी फाइबर है जो प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है आपको और जो डाइजेशन में हेल्प करता है आपके और अवॉइड करता है कॉन्स्टिपेशन का। क्लियर। अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट हमारी टर्म है मॉल न्यूट्रिशन। क्लियर, मॉल न्यूट्रिशन स्टडी करते हैं। वो क्या होती है, मॉल न्यूट्रिशन स्टडी करते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर कम खाते हैं। ज़्यादा खाना खाया तो भी हार्मफुल है बॉडी के लिए, कम खाया तो भी हार्मफुल है। क्लियर। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे वो भी हार्मफुल होगा, अगर लेस क्वांटिटी में लेंगे वो भी हार्मफुल होगा। तो मॉल न्यूट्रिशन वो स्टेट है आपकी, ठीक है, वो बैड हेल्थ की स्टेट है। अगर आप किसकी वजह से होती है, जब अगर आप इम्प्रॉपर डाइट लेते हैं। क्लियर। तो माल न्यूट्रिशन इज अ स्टेट ऑफ बैड हेल्थ ड्यू टू इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड और न्यूट्रिशन, फूड और न्यूट्रिएंट्स। अगर आपने इम्प्रॉपर लिया, इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया, आपने बैलेंस्ड डाइट नहीं ली, क्लियर, तो आपको जो आपकी बैड हेल्थ होगी उसको क्या बोलेंगे, मॉल न्यूट्रिशन। क्लियर, मॉल न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या होती है, स्टेट ऑफ बैड हेल्थ, किसकी वजह से, ड्यू टू इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स। क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ठीक है। अगर आपने फूड अच्छे से नहीं लिया, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं लिए, तो आपको डिसीज हो जाती है, ओके। और लंबे समय तक अगर आप नहीं ले रहे हैं तो उन डिसीज को बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज, ठीक है। डिसीज डैट अकर ड्यू टू lack of nutrients due to take off lack of nutrients over a long period। अगर आप लंबे समय तक अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, ओके, अगर आप लैक का मतलब कमी, अगर आप न्यूट्रिएंट्स को कम करते जाएंगे बहुत लंबे समय तक, तो आपको जो डिसीज़ होगी उन डिसीज़ को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज़। क्लियर। अब हमने स्टडी किया था विटामिन्स एंड मिनरल्स, आपको याद होंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स आपके क्या थे, न्यूट्रिएंट्स थे। और कैसे न्यूट्रिएंट्स थे, किस कैटेगरी में आ रहे थे, प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में। प्रोटेक्टिव फूड क्या करता है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिसीज से, ओके। तो इट दैट इज प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। क्लियर। अब जो हमारे विटामिन्स है, क्लियर, दिस इज जो हमारे विटामिन्स हैं वो फर्दर बहुत सारे काइंड के हैं, तो वेरियस काइंड स्टडी करते हैं विटामिन्स की। तो आपके विटामिन्स होते हैं विटामिन ए बी सी डी E एंड K, क्लियर। तो आपके सिक्स विटामिन हो गए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन K, ओके। तो अब हम स्टडी करेंगे डेफिशिएंसी डिसीज,
ड्यू टू विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, तो अब हम टेबल के थ्रू स्टडी करते हैं जो हमारे विटामिन्स और मिनरल्स के से डेफिशिएंसी डिसीज हो जाती है। अगर आप विटामिन्स और मिनरल्स को नहीं लेंगे प्रॉपरली, ठीक है, तो आपकी बॉडी में लैक हो जाएगी, उनकी कमी हो जाएगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएंगे। क्लियर? तो राइट डाउन करते हैं हम विटामिन एंड मिनरल्स। एक कॉलम हम ये बनाएंगे विटामिन्स और मिनरल्स का, दूसरा डेफिशिएंसी डिसीज, कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज होती है इनकी वजह से, और थर्ड होगा हमारा सिम्टम्स कि कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से विटामिन और मिनरल्स की कमी है। ठीक है, तो सिम्टम्स हमें बताते हैं लक्षण जिन चीज़ों से पता चलता है। तो फर्स्ट है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए अगर आप नहीं लेंगे तो आपको जो डिसीज़ होगी उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर? ओके, नाइट ब्लाइंडनेस होती है जो डिसीज़ आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको इसमें दिखाई देना कम हो जाता है, पुअर विज़न और कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, और कभी कभी बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, बिल्कुल ही आँखों की रोशनी आपकी चली जाती है, दैट्स मीन आप ब्लाइंड हो जाते हैं बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकंड है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी से होती है आपको डिसीज़ बेरीबेरी, क्लियर? कौन सी डिसीज है? बेरी बेरी डिसीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, वीक मसल्स एंड लेस एनर्जी टू वर्क, लेस एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। क्लियर? और आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है काम करने के लिए। ओके, थर्ड हम स्टडी करते हैं विटामिन सी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको जो डिसीज होती है स्कर्वी। ठीक है, इस वाले डिसीज में क्या होता है कि जो आपके गम्स है, जो आपके मसूड़े हैं, उनमें से ब्लड आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप ब्रश करते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि ब्रश करते वक्त जब आप स्पिट करते हैं तब क्या होते हैं, साथ में थोड़ा ब्लड भी आता है, तो वो किसकी वजह से है? विटामिन सी। इसमें क्या होते हैं? ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से जो आपको डिसीज होती है वो होती है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स में क्या होता है, आपका जो आपके जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती है, बोन बिकम्स सॉफ्ट एंड बेंट, वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट होने लग जाती हैं, दैट्स मीन मुड़ने लग जाती हैं, आपके इतनी वीक हो जाती हैं कि मुड़ने लग जाती हैं। ओके, तो आपके लेवल पे आपके फोर विटामिन्स है, विटामिन ए बी सी एंड डी। ओके, आप डिसीज़ भी लर्न करनी है और उनके सिम्टम्स भी लर्न करने हैं। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं हमारा मिनरल। तो फिफ्थ है हमारा मिनरल आयरन। आयरन, क्लियर? आयरन की जो कमी से होता है वो आपको होता है एनीमिया, एनीमिया डिसीज होती है, और इस डिसीज में क्या होता है, आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी से लगने लग जाती है आपको। जब आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं, अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, आपको पता चलता है आपका एचबी लेवल कितना है। अगर आपका नॉर्मल रेंज से कम में है तो इसका मतलब आप किससे सफर कर रहे हैं? एनीमिया से। ओके,
अब हमारे नेक्स्ट हैं, अभी दो रहते हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका आयरन हो चुका है, अब हमें कैल्शियम स्टडी करना है और आयोडीन स्टडी करना है। क्लियर? तो दो रब कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट था 4, 5, 6, सिक्स नंबर पे हमारा। अभी हम स्टडी करते हैं अपना आयोडीन। आयोडीन आपका मिनरल है, अगर आप आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेंगे तो आपको गोइटर हो जाएगा, जिसको घेंगा बोलते हैं, गोइटर। गोइटर में क्या होता है कि जो आपकी यहाँ पे नेक में जो ग्लैंड प्रेजेंट है वो स्वेलन हो जाती है। ओके, तो आप लिख सकते हो स्वेलन नेक, आपकी गर्दन फूल जाती है, और क्या होता है थोड़ी सी मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है चिल्ड्रन के अंदर। ओके, दैट्स मीन अगर मेंटली देखें वो थोड़े से डिसेबल हो जाते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी। क्लियर? तो स्वेलन नेक हो जाएगी आपकी और आपके अंदर मेंटल डिसेबिलिटी आ जाएगी अगर आप आयोडीन नहीं लेंगे। आयोडीन सॉल्ट भी आता है आपका। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं आपका 7, कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो आपका मिल्क में प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम आपके लिए क्यों ज़रूरी है? अगर कैल्शियम नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, बोन्स एंड टूथ डिके, जो आपकी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी बिल्कुल, और आपके दांत भी। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वीक बोन्स, आपकी हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगी और आपको टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, आपके दांत भी खराब होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे क्या थे, हमारे विटामिन्स और मिनरल्स थे जिनकी डेफिशिएंसी डिसीज़ हमें स्टडी करनी थी और सिम्टम्स। क्लियर? ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको लर्न भी करना है। ओके.